लाल सागर में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां भारतीय नौसेना अरेबियन सी में आक्रामक रूप में नजर आ रही है ताकि हमला करने वाले वेसल्स को सुरक्षित रखा जा सके और विद्रोहियों पर लगाम लगाई जा सके, जब से अमेरिका ने ऐलान किया है कि वह विद्रोहियों का इलाज करेगा तब से ही बवाल बढ़ता जा रहा है। हुती विद्रोही और अमेरिका बिल्कुल आमने सामने हैं, बिल्कुल एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, एक दूसरे के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं और एक दूसरे को खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहे हैं। हुती विद्रोहियों ने सीधा ऐलान किया कि वाशिंगटन ने अगर यमन को निशाना बनाया तो वह इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हुती विद्रोहियों का यह ऐलान फिलिस्तीनी लोगों के साथ हो रही जुल्म को लेकर आया है। इसके साथ ही उन्होंने हुती विद्रोहियों से इसराइल से चल रही युद्ध के कारण इसराइल आने वाले जहाज को भी अपना निशाना बनाया है, जिससे वैश्विक शिपिंग लाइनों का रास्ता बदल गया। उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उनका व्यापार का खर्च बढ़ गया है और वक्त भी।